मैं हूँ आनंद अवस्थी और एक नए टॉपिक को लेकर मैं आप सभी के बीच आया हूँ, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ लोन के संबंध में, पर्सनल लोन के संबंध में। तो लोन की आवश्यकता होता देखा जाए तो आजकल हर एक व्यक्ति को होती है, छोटी मोटी आवश्यकता को पूरा करना, कहीं किसी का पैसा लिया है देना है या बिजनेस को बढ़ाना है, कोई भी हो एक्स वाई जेड, उन सब में क्विकली जो है लोन की आवश्यकता पड़ जाती है, फंड की आवश्यकता पड़ जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि पर्सनल लोन को लाइक करते हैं, पर्सनल लोन ले लो, दो ढाई घंटे में आपको मिल जाता है। और पर्सनल लोन लेने के संबंध में क्या है, जल्दबाजी में गलत निर्णय ना ले लो, जिस वजह से क्या है वो क्षणिक मात्र सुख के पीछे उसका बहुत बड़ा खामियाजा होता है, जो मैं कई एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे देखे हैं। देखने के बाद बहुत बेकार स्थिति लगती है कि ना जाने इसके साथ क्या हो रहा। उसके साथ तो ठीक है, सारी फैमिली की इज्जत भी कई बार दांव पर लग जाती है, ऐसा कई बार देखने में आया। तो मैं उसी टॉपिक को लेकर एक आप सभी के बीच आया था कि लोन लेते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय ना लें, सोच समझ कर ही निर्णय लें। और जब भी आप कोई लोन लेने जा रहे हैं तो उसके संबंध में आप बारीकी से समझें और किसी एक्सपर्ट की सलाह लें जो उसका जानकार हो, उसके साथ बातचीत करके ही आप लोन को लेंगे। उससे पहले आप लोन ना लें और ना ही अपने मोबाइल के ऐप से साथ, ठीक है। तो पर्सनल लोन होता क्या है कि पर्सनल लोन होता है एक सैलरी के बेस पर एक लोन होता है पर्सनल लोन, जिस पर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं होती है, जिसको मैं बोलता हूँ अनसिक्योर्ड लोन। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जिस पर किसी भी प्रकार की आपकी सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो पर्सनल लोन आपको दो तरीके से मिलते हैं, एक तो सैलरी के ब्याह पर मिलते हैं और कुछ कंपनियां जो अभी NBFC वगैरह स्टार्ट हुई हैं तो वो क्या है, KYC के ब्याह पर, आपकी सिविल के ब्याह पर आपको लोन दे देती हैं। और कुछ कंपनी जो है वो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन के ब्याह पर भी आपको पर्सनल लोन वगैरह देती है, जो ऑफर के रूप में आते हैं। और ऑनलाइन देखा गया कि बहुत सारे जो है एप्स अवेलेबल हो गए हैं जो पर्सनल लोन आपको मात्र दो ढाई घंटे में दे देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं कि वो पर्सनल लोन तो आपको दे देते हैं, फंड आपको दे देते हैं 50-60 हज़ार, 1-2 लाख रुपए आपको दे देंगे, लेकिन आपके मोबाइल का सारा एक्सेस वो अपने पास ले लेते हैं, एक्सेस की परमिशन आपसे लेते हैं, विदाउट एक्सेस वो आपको लोन नहीं देते। तो उस एक्सेस के दौरान क्या होता है, जो भी आपके फुटेज वगैरह होते हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होते हैं, व्हाट्सएप नंबर होते हैं, जो आपकी चैट्स वगैरह होती है, वो सारा का सारा डेटा उनके पास सिस्टम पर आ जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि यदि आपने लोन जल्दबाजी में ले लिया तो वो कहीं ना कहीं फिर उसका मिसयूज करते हैं और फैमिली को कहीं ना कहीं उसके पीछे शर्मिंदा होना पड़ता है। और कई बार तो ये देखा है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जैसे अभी रीवा का कोई केस था जो शायद नोएडा वगैरह में, दिल्ली वगैरह में जो वो करते थे, और उन्हें पूरे फैमिली के साथ जो है आत्महत्या कर ली थी उस लोन के पीछे, क्योंकि लोन तो लिया था, लोन पे भी कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश कोई स्थिति कोविड वगैरह के द्वारा उनकी गड़बड़ हुई, EMI नहीं जा पाई, तो उन्होंने बहुत मतलब गंदी फोटोज वगैरह जो है उनके रिलेटिव वगैरह पर जो भी एक्सिस नंबर थे उन सब में जो है शेयर करना चालू कर दिया, और उनको तो ये स्थिति पर उन्होंने उसके फैमिली के साथ आत्महत्या कर दी। तो ये हम जल्दबाजी में लेकर ना लें। तो सबसे पहले क्या है, पर्सनल लोन हम कहाँ से लें और कैसे लें। तो पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे अच्छा प्रोसीजर ये है कि नियर बाय आपके जो भी बैंकर्स हैं, आप बैंक में जाएं, वहाँ संपर्क करें, फाइनेंस है फाइनेंस में जाएं, वहाँ पर संपर्क करें। यदि आपको उनकी स्कीम समझ में आ रही है, स्कीम आपके अनुरूप है और बैंक के अनुरूप आप हैं, तो आप वहाँ से लोन ले सकते हैं, बशर्ते जो आपको उचित लग रहा हो, आपकी नीड पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली जिस पर सिक्योरिटी नहीं होती है तो उधर क्या है, लोन का जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कई बार उस रेट के चक्कर में लोग लोन नहीं लेते हैं। लेकिन जो आपके नियर बाय लोकेशन पर है, जैसे आप बुले मिले हैं, आपने देखा है जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो उस बैंक या NBFC में जाके आप वहाँ से लोन लें सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि यदि आप ऑनलाइन लोन ले रहे हैं तो ऑनलाइन लेते समय आप ये ध्यान रखें कि जिस कंपनी से आप लोन ले रहे हैं कोशिश ये करें
कि आप उसको सारा एक्सेस अपना ना दो, एक्सेस परमिशन, डेटा की एक्सेस ना दो, ठीक है। और उसके साथ क्या करें कि जब भी हम पर्सनल लोन ऑनलाइन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो उधर आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंपनियां आपके क्षेत्र में हैं, आपके आसपास हैं, या जो सलाहकार आपके हैं बैंक में संपर्क कर सकते हैं, यदि आपको बैंक से नहीं मिला तो उन्हीं एम्प्लॉई से आप बात कर सकते हैं कि इस एप्स के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से इस कंपनी से मैं लोन लूँ या नहीं, उनसे संपर्क करने के बाद ही आप लोन। और उसके साथ उनका जो रीपेमेंट है, आप रीपेमेंट रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। रीपेमेंट आप रेगुलर करेंगे तो आपका सिविल खराब नहीं होगा, ठीक है, और कंपनी के एम्प्लॉय जो है ना आपको परेशान नहीं होगा। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप एक या दो महीने ई एम आई नहीं दे पाते, तो उस दौरान कुछ जो कंपनियां हैं जो गलत यूज करती हैं, रेट भी उनके एक तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब आपका डेटा का वो एक्सेस ले लेते हैं तो उस दौरान ये आपको अपनी फैमिली की जो इशूज होते हैं, ठीक है, जो फोटोज वगैरह उनका गलत इस्तेमाल वो कर लेते हैं, तो ये खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ध्यान रखें कि कभी भी लोन लेते वक्त आप किसी अनोन पर्सन को या अनोन कंपनी से, अनोन ऐप से आप लोन ना लें। हमेशा किसी न किसी बैंक एनबीएफसी में जाकर या उनके माध्यम से, उनके ही पोर्टल से आप लोन लें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ेगा, आपकी सारी ये मान के चलना कि जो इज्जत है ना वो आपको दाव में लगेगी, ठीक है। तो ये स्थिति आप लोग निर्मित ना करें, सोच समझ कर ही लोन लें और जो विश्वसनीय संस्थाएं हैं उनसे ही आप ऑनलाइन लोन के चक्कर में आप बिल्कुल ना बिधें। ऑनलाइन के चक्कर में आप बिधेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छतरपुर की मैंने दो केस देखे, दोनों केस के फोटोज मेरे पास में आए हैं और उनसे मैंने संपर्क भी किया है और उनको एक सही रास्ता भी दिखाया और कोशिश तो मैंने ये किया कि उनका लोन ही वो किसी न किसी माध्यम से क्लोज हो जाए, क्योंकि जो ऑनलाइन है तो उसके साथ पुलिस भी शायद कोई बखूबी कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि आप किसी न किसी विश्वसनीय संस्था के साथ ही लोन लें, पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं या आप सिक्योर्ड लोन लेने जा रहे हैं तो किसी न किसी विश्वसनीय संस्था के साथ ही आप लोन लें और सही टाइम पर आप उसका रिव्यू लें।